फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग भूगोल में द्वैतवाद यानी डुअलिज्म इन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब देखिए, ये जो द्वैतवाद का टॉपिक है, इसको बिना समझे आप जो भूगोल में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, कल्याणवाद है, मानवतावाद है, इन चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। तो द्वैतवाद को आप एक नींव की तरह देखिए। देखिए, पहले मैं आपको ये जो द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर डिटेल में बता दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जो संभावित प्रश्न हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे और थ्योरी को भी देखेंगे। देखिए, एक महान ज्योग्राफर हुआ वरेनियस। वरेनियस ने विश्व का ध्यान इस ओर खींचा कि जो हमारी भूगोल है, इसके दो भाग हैं। एक तो सामान्य भूगोल है, इसको व्यवस्थित भूगोल भी आप कह सकते हैं, और दूसरा आपका प्रादेशिक भूगोल है। तो पहली बार इस चीज को वरेनियस ने कहा, और मैंने कहा सामान्य भूगोल को ही व्यवस्थित भूगोल भी कहते हैं। अब देखिए, सामान्य भूगोल का मतलब क्या है और प्रादेशिक भूगोल का मतलब क्या है। यहां पर देखिए, आपके सामने एक ग्लोब है। मान लीजिए आप विश्व के भूगोल का अध्ययन करना चाहते हैं। आपके पास दो तरीके हैं। एक तो हो गया कि आपको कुछ मैं नियम बता दूं और उन नियमों के आधार पर आप पूरे विश्व का अध्ययन करें। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत है, यानी कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी है। अगर आपको अभी नहीं पता है सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्या है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सामान्य रूप से मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि जो किसी मार्केट का जो केंद्र होता है या जो कोई मार्केट होती है, वहाँ से आप जैसे जैसे दूर जाते हैं, क्रॉप इंटेंसिटी कम होती है। क्रॉप इंटेंसिटी मतलब कृषि में निवेश। मान लीजिए यहाँ पर इस स्थान पे कृषि में जो किसान है 100 रुपये निवेश करता है, तो यहाँ पर मान लीजिए 70 ही करेगा। और मार्केट से, ये अपनी अगर मार्केट है, और यहाँ मार्केट से जब आप दूर जाएंगे तो यहाँ पर 50 रुपये ही निवेश करेगा। तो मैंने आपको बता दिया, मार्केट से दूर जाएंगे तो जो एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी है, कृषि गहनता है, उसमें कमी आती है। अब देखिए, एक तो तरीका हो गया, आप मान लीजिए जो जापान में होने वाली कृषि है उसका अध्ययन करें, तो इसी नियम के आधार पर करें। आप देखें कि मुख्य मार्केट कौन सी है, और उसके आधार पर आप देखें कि कैसे जो एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी है उसमें कमी आ रही है। आप अगर अमेरिका का चाहे अध्ययन करें, चाहे आप यूरोप में किसी देश का अध्ययन करें, चाहे भारत का अध्ययन करें, आप इसी नियम के आधार पर अध्ययन करें। तो ये क्या हो गया, सामान्य भूगोल हो गया। यानी सामान्य भूगोल में आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो नियम है, जो मॉडल है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी नियम या मॉडल के आधार पर पूरे विश्व का भौगोलिक अध्ययन, भौगोलिक शोध किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल ठीक इसके विपरीत है। प्रादेशिक भूगोल को मानने वाले, जैसे हार्टशोन हो गया, ये लोग कहते हैं कि देखिए, भूगोल अपने आप में एक अपवाद विषय है। अपवाद मतलब, देखिए, एक तो हो गया इतिहास, हो गया इतिहास को भी चलिए हटा दीजिए, एक तो जैसे आपका अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्ट हो गए, इनको हम लोग सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन कांट हैं, हार्टशोन हैं, इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा भूगोल है वो अपने आप में एक अपवाद है, एक एकदम अलग तरह का विषय है। और ये क्योंकि अपवाद है, देखिए अर्थशास्त्र में तो सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन क्योंकि भूगोल अपवाद है, इसलिए इसमें ना कोई नियम हो सकता है, ना कोई मॉडल हो सकता है। अब अच्छा देखिए, अगर आप कह रहे हैं अपवाद है, तो ऐसे ही नहीं कह देंगे, कोई लॉजिक होगा। तो लॉजिक ये था कि देखिए, विश्व में जितने भी क्षेत्र हैं, सभी की जो संस्कृति है, सभी का जो कल्चर है, वो अलग अलग है। यानी कि जैसे जापान की बात करें, तो जापान का कल्चर अलग, भारत का अलग, चीन का अलग। उसमें भी अगर भारत की ही जैसे बात करें, तो बिहार का कल्चर अलग, महाराष्ट्र का अलग, केरल का अलग। यानी पूरे विश्व में जितने भी प्रदेश हैं, प्रदेश से मतलब कोई ये उत्तर प्रदेश बिहार नहीं, प्रदेश का मतलब होता है कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें समानता पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक क्षेत्र है जिसमें एक जैसी जलवायु पाई जाती है, तो ये एक प्रदेश हो गया। तो विश्व में जितने भी प्रदेश हैं, सब अपने आप में विशिष्ट हैं, यूनिक हैं। ये चीज प्रादेशिक भूगोल को मानने वाले कहते हैं। किस तरह से यूनिक है, सबका अपना अपना कल्चर अलग है, भौगोलिक दशाएं अलग हैं। तो जब सब अलग अलग तरह के प्रदेश हैं, तो एक नियम से आप सबको कैसे समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए
जापान के किसान की जो साइकोलॉजी है मान लीजिए वो अलग तरह की है, अमेरिका का किसान है तो वो मशीनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, भारत का किसान है तो उसकी साइकोलॉजी अलग तरह की है, दक्षिण अफ्रीका के किसान की साइकोलॉजी अलग तरह की है। तो ये जब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, इनका धर्म आस्था अलग अलग है, तो एक नियम के आधार पर आप हर प्रदेश की हर स्थान की कृषि व्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं। तो ये जो बात आई कि क्योंकि हर प्रदेश अपने आप में यूनिक है, इसलिए किसी एक नियम के आधार पर पूरे विश्व का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो फिर अध्ययन कैसे किया जाए? जैसे आपको दक्षिण अफ्रीका का अध्ययन करना है तो दक्षिण अफ्रीका जाइए, वहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है, इसकी वजह से मनुष्य ने कैसा कल्चर डेवलप किया है, और फिर कल्चर डेवलप करके अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करके कैसे मनुष्य प्रकृति को प्रभावित कर रहा है, कैसी एग्रीकल्चर कर रहा है, जनसंख्या की क्या स्थिति है, बस्तियाँ कैसी हैं, इन चीज़ों को आप अलग अलग प्रदेशों में जाकर अलग अलग अध्ययन करिए, एक नियम के आधार पे नहीं। ये हो गया प्रादेशिक भूगोल। अगर पूछ दिया जाए एरियल डिफरेंशिएशन क्या है, तो हार्ट शोन का कॉन्सेप्ट है, हार्ट शोन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग अध्ययन करना, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश अपने आप में विशिष्ट है, यही एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि क्षेत्रीय विभेदन है, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय विभेदन। तो ये देखिए वो कॉन्सेप्ट हो गया द्वैतवाद का, जिसके ऊपर फिर आगे चल के क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन यानी मात्रात्मक क्रांति की नींव पड़ी। वो कैसे हुआ ये आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखिए थोड़ा सा थ्योरी को देख लेते हैं और जो फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखते हैं। देखिए द्वैतवाद शब्द का मतलब होता है विभाजन होना। देखिए बहुत ही सिंपल बात है, आपके घर में मान लीजिए जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी राय अलग है और आपकी राय अलग है, तो क्या हो गया? द्वैतवाद हो गया। अब उनका एक मत हो गया, आपका दूसरा मत हो गया। ठीक यही चीज ज्योग्राफी में हो गई। कुछ लोगों ने कहा नियम बनाइए, व्यवस्थित भूगोल या सामान्य भूगोल की ओर चले गए, कुछ ने कहा कि नहीं प्रदेशों का अलग अलग अध्ययन करिए, प्रादेशिक भूगोल की ओर चले गए। तो पुनर्जागरण काल के बाद के समय में भूगोल में द्वैतवाद बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। तब से भूगोल विषय जो है ये कई भागों में विभाजित हुआ। तो जैसे कि कुछ अगर विशेष हम लोग जो भाग हैं उनको देखें, तो सामान्य भूगोल बनाम क्षेत्रीय भूगोल, ये एक भाग बन गया भूगोल में। फिर ऐसे ही भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, और ऐतिहासिक भूगोल बनाम समकालीन भूगोल। अब आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सामान्य भूगोल बनाम क्षेत्रीय भूगोल, इसे प्रादेशिक भूगोल भी कह सकते हैं क्षेत्रीय भूगोल को, अभी हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वरेनियस ने द्वैतवाद को पहली बार दर्शाया, इसकी बुक है जियोग्राफी का जनरलिस्ट, जिसका नाम आपको याद होना चाहिए। इसमें इन्होंने कहा कि विशिष्ट भूगोल जो है प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा, विशिष्ट भूगोल मतलब प्रादेशिक भूगोल, तो जो प्रादेशिक भूगोल है या जो विशिष्ट भूगोल है ये प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर विशेष स्थानों के विवरण से संबंधित है, यानी जापान का विशेष विवरण या फिर भारत के ही अंदर मान लीजिए महाराष्ट्र का अलग विवरण, दिल्ली का अलग विवरण, जब आप जाकर के ऑब्जर्व करके इनका विवरण तैयार करते हैं तो इसे हम लोग प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। और ऐसे नियमों की जब आप खोज करते हैं जो हर जगह लागू होते हैं, यानी कि आपने नियम बना लिए और उसको हर देश में हर प्रदेश में लागू कर रहे हैं, तो इसको हम लोग सामान्य भूगोल कहते हैं। ये चीज वरेनियस ने स्पष्ट की। अब देखिए जो जो दोनों शाखाएं हो गई, व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, इनमें मुख्य चीजें क्या क्या हैं? तो व्यवस्थित भूगोल में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें नियम और मॉडल निर्माण पर जोर दिया जाएगा। अर्थशास्त्र के नियम हैं, गणित के तरीके हैं, सांख्यिकी है, इन सब का प्रयोग किया जाएगा। व्यवस्थित भूगोल को कोई अपवाद नहीं माना जाएगा। देखिए हम लोगों ने देखा कांट और हार्ट शोन ने प्रादेशिक भूगोल को अपवाद माना, लेकिन जो हमारा व्यवस्थित भूगोल है इसमें शेफर ने कहा था कि भूगोल कोई अपवाद नहीं है। जैसे बाकी सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र है वैसे ही भूगोल भी है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का विषय है। और देखिए व्यवस्थित भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्होंने संस्कृति को, मनुष्य की जो संस्कृति है उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी इन्होंने, क्योंकि देखिए आप नियम बना रहे हैं। अच्छा आप आस्था का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे?
आप जो मनुष्य की साइकोलॉजी है उसको फॉर्मूले में कैसे बदलेंगे। तो फॉर्मूले में बदलने के लिए जरूरी है आप भावनाओं को आस्थाओं को छोड़ दें। और ये व्यवस्थित भूगोल वाले यानी सामान्य भूगोल वाले तो नियम बना रहे थे, तो इन्होंने संस्कृति की अनदेखी की। इन्होंने कहा ये मनुष्य की संस्कृति को हम भूगोल का विषय नहीं बनाएंगे। प्रादेशिक भूगोल में ठीक इसका उल्टा है, संस्कृति का महत्व है। ये लोग तो कहते हैं कि हर किसी की संस्कृति अलग है, इसलिए हर प्रदेश का अलग अलग विकास हुआ है, तो हर प्रदेश में जाकर के वहाँ हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे और उसका विवरण तैयार करेंगे। विशिष्ट प्रदेश की बात कहते हैं कि हर प्रदेश अपने आप में विशिष्ट है। और एक पार्थिव एकता है। पार्थिव एकता क्या होता है? देखिए, जो पूरा प्रदेश है ये प्रदेश आपस में जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो वनस्पति को प्रभावित करती है, मिट्टी को प्रभावित करती है। जो मिट्टी है वो मनुष्य कैसी कृषि करेगा, कैसी इकोनॉमी होगी, इसको प्रभावित करती है, करता है। फिर जो मनुष्य है वो मान लीजिए वन काट रहा है तो वर्षा को प्रभावित करता है। तो यानी पूरा सब कुछ आपस में एक साइकिल से जुड़ा हुआ है। तो इसी को कहते हैं पार्थिव एकता। तो प्रादेशिक भूगोल में पार्थिव एकता का भी कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए कौन कौन से ज्योग्राफर हैं व्यवस्थित भूगोल से जुड़े हुए। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसके साथ ही हम्बोल्ट की अच्छा एक बुक है कॉस्मोस, रेडचेल हो गया एंथ्रोपोग्राफी इनकी बुक है, अल्फ्रेड हेटनर हो गया, रिचथोफेन हो गया, अरस्तू हो गया, हेरोडोटस हो गया, शेफर हो गया, ये सब व्यवस्थित भूगोल से संबंधित हैं। शेफर का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आ जाते हैं प्रादेशिक भूगोल, तो रिटर हो गया, विडाल डीला ब्लाश हो गया, इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी है? विडाल डीला ब्लाश की। इसके साथ ही हार्टशोन है नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक लिखी। कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं, कई बार आए हैं। विडाल डीला ब्लाश की प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हार्टशोन की नेचर ऑफ ज्योग्राफी बिल्कुल मत भूलिए, और स्ट्रैबो भी प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। तो ये सारे वो ज्योग्राफर हो गए जो प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। अब देखिए जाहिर सी बात है जो द्वैतवाद है इसका लोगों ने विरोध भी किया। लोगों ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं ये तर्कसंगत नहीं है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक नियम बनाते हैं, तो नियम कहाँ पे बनाएंगे? सामान्य भूगोल में या व्यवस्थित भूगोल में। अब आप एक नियम बनाते हैं तो इसके आधार पे आप प्रदेश की स्टडी कर सकते हैं, यानी इस नियम से आप प्रदेश की स्टडी कर सकते हैं। और जब आप प्रदेश की स्टडी कर रहे हैं तो अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे फिर से नियम बना सकते हैं जो पूरे विश्व पे लागू होगा। यानी ये एक ऐसी साइकिल है जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती है। प्रदेश में ऑब्जर्वेशन करके नियम बनाइए और नियम से पूरे विश्व का अध्ययन करिए। तो इसलिए इनके बीच में कोई विरोध नहीं है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये बात कही गई। तो बेरी है एक ज्योग्राफर, अनुचिन है, ये द्वैतवाद के विरोधी हैं। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन है जिसने द्वैतवाद का विरोध किया, तो बेरी और अनुचिन पे आपको निशान लगाना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपका जो भूगोल में द्वैतवाद है उस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और वैसे तो एरियल डिफरेंशिएशन अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है। फिर शेफर ने जो एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी नाम से शोध पत्र लिखा था वो अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है, लेकिन उतना डिटेल में मैं आपको इसलिए नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वहां से बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शन वाले क्वेश्चन वैकल्पिक प्रश्न नहीं बनेंगे। तो जो मुख्य बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली।